जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के धूला रावजी गांव में महिला वार्ड पंच की मौत के मामले में धरनार्थियों के विरुद्ध सड़क मार्ग जाम को लेकर जमुआ रामगढ़ पुलिस ने 20 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा, अन्य लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज करने से लोग भड़क गए। और सोमवार को धूला रावजी गांव में जमुआ रामगढ़ पूर्व विधायक जगदीश नारायण मीणा के नेतृत्व में ग्रामीण जमराव गाड़गढ़ थाना पुलिस के विरोध में धरने पर बैठ गए। पूर्व विधायक जगदीश नारायण मीणा ने कहा कि जिस परिवार की महिलाएं की मौत हुई गई और उसी के पति को जेल में डाल दिया और न्याय मांगने वाले लोगों के विरुद्ध पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ बलात्कार के आरोपियों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज करवाने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करके आरोपियों के बचाने का संरक्षण दिया जा रहा है। मानवता पूर्व सरपंच सुमन मीणा, एडवोकेट मानसिंह मीणा, जमुआ रामगढ़ भाजपा मंडल पूर्व अध्यक्ष बद्री नारायण मीणा ने कहा कि पीड़ित परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा धूला रावजी सरपंच पति तथा उप सरपंच राम स्वरूप सैनी के विरुद्ध थाने में दर्ज मामला बलात्कार के मामले में पुलिस प्रशासन ने बलात्कार के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने, पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा तथा धरनार्थियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं।